हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लजीज जायका। मैं हूँ सुपरलक्ष्मी और आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो विदाउट ओनियन गार्लिक खाना प्रिफर करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज प्रिफर नहीं करते हैं, उनको नॉनवेज पसंद नहीं होता है, वो वेजिटेरियन होते हैं। उनके लिए आज मैंने ये भेज थाली बनाया है। इसमें मैंने ओनियन गार्लिक का यूज़ नहीं किया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मैं कैसे ये भेज थाली बना के तैयार करती हूँ, वो भी एक घंटे में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो आइए बनाते हैं भेज थाली। मैं भेज थाली में खिचड़ी बना रही हूँ आज। मैंने ये हाफ एन आवर के लिए मूंग दाल और चावल को भिगा के रख दिया था। मैंने इस कप से एक कप चावल एक कप दाल ले लिया है और इसी के साथ मैं यहाँ पे टमाटो चटनी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने टमाटो धो के साफ करके रख दिया है। मैंने 6 से 7 टमाटो ले लिया है, वो भी मीडियम साइज़ के। आइए इसको कट कर लेते हैं। टमाटो आप ऐसे ही बड़े बड़े साइज़ में कट कर लीजिए। मैंने इसको रफली ऐसे चॉप्ड कर लिया है। हमको इसे टमाटो चटनी बनानी है, इसीलिए आप अपनी फैमिली के मेंबर के हिसाब से ले लीजिए। मैंने 6 से 7 टमाटो ले लिया है। देखिए, मैंने सारे टमाटो यहाँ पे कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक ग्रीन चिली ले लिया है, उसको भी कट कर लिया है। अभी हम खिचड़ी बना लेंगे। इसके लिए मैंने प्रेशर गैस पे चढ़ा दिया है और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 4 से 5 टीस्पून घी डाल दिया है और एक इसमें तेज़पत्ता डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे पीपर सीड डाल दिया है। अभी एक अदरक को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे ऐसे। उसी के बाद हम यहाँ पे ये चावल और ये मूंग दाल डाल देंगे इस प्रेशर में और इसे कुछ देर के लिए थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से दोस्तों बढ़िया सा स्मेल आता है, क्योंकि चावल और दाल घी में बढ़िया से फ्राई हो जाते हैं तो खिचड़ी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया। आप सॉल्ट अपनी टेस्ट के अनुसार डालिए। ऐसे करके ये चावल को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पे 5 कप वाटर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 कप 1 कप चावल 1 कप दाल, मतलब 2 कप हो गया हमारा चावल और दाल, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे पानी ले लिया 5 कप। अभी प्रेशर को बंद कर लेंगे और 1 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। अभी प्रेशर को हम दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ पे एक कढ़ाई बिठा दिया है। कढ़ाई बिठा के हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे राई डाल दिया है, सरसों 1 टीस्पून और इसी के साथ मैंने हरी मिर्च भी डाल दिया और वो अदरक को इधर ग्रेट करके मैं डाल रही हूँ। मैंने अदरक को थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल दिया है और ये मैंने यहाँ पे करी पत्ता डाल दिया और उसी के साथ हम ये कटी हुई टमाटो इसमें डाल देंगे और टमाटो को अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम 1/2 स्पून टर्मरिक और 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट आप थोड़ा सा अभी डालिए, फिर टमाटो पकने के बाद टेस्ट के हिसाब से और सॉल्ट दे दीजिए। यहाँ पे मैंने 2 आलू ले लिया है और परवल मैंने 250 ग्राम्स लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे। अभी आलू को मैंने थोड़ा ऐसे छोटा छोटा काट लिया है लंबा लंबा करके और ये परवल को वैसे ही हम काट लेंगे। देखिए दोस्तों, मुझे जल्दी जल्दी से सब प्रिपेयर करना पड़ रहा है। अगर आप इसको पहले से प्रिपेयर करके रखोगे तो खाना पकाने में और भी कम टाइम लगेगा। देखिए, ऐसे लंबा लंबा करके मैं काट रही हूँ। आलू परवल फ्राई भी बहुत ही टेस्टी बनता है। हमारा टमाटो यहाँ पे पक चुका है
और थोड़ी देर पकने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करिए, जितना आप चाहते हैं टमाटो चटनी में पानी उतना ही पानी डालिए। यहाँ पे मैंने काली मिर्च 1 टीस्पून और ये भुने हुए जीरा पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है। अभी मैंने यहाँ पे 1 कप पानी दे दिया है। हमारा टमाटो चटनी ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। अभी यहाँ पे देखिए हमारा खिचड़ी भी बन चुका है। देखिए कितना अच्छा बना है हमारा खिचड़ी। अभी खिचड़ी और टमाटो चटनी हमारा बन चुका है। खिचड़ी के ऊपर थोड़ा सा ऐसे हमने घी डाल दिया है, मैंने देसी घी लिया है, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। अभी यहाँ पे एक पैन गरम करके मैंने 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिया, उस पर 1 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा थोड़ा सा चटकने दीजिए, फिर 2 लाल मिर्च डाल दीजिए और ये कटी हुई परवल डाल दीजिए। हम पहले परवल को थोड़ा सा अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा परवल फ्राई होने पर हम आलू मिक्स करेंगे, क्योंकि परवल बहुत तेल लगाता है और आलू जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए परवल को पहले फ्राई करिए थोड़ी देर, फिर आलू डालिए। ये है मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए। 2 बैंगन ले लिया है, 1 आलू ले लिया है और ये पपैया एक थोड़ा सा पीस लिया है और 1 केले में से मैं 1/2 केला यूज़ करूँगी। मैं एक मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ और ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। दोस्तों वेजिटेबल की कोई भी करी हो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप ऐसे ही बहुत सारे वेजिटेबल के साथ ये मिक्स वेजिटेबल करी बना के रोज़ खाइए, आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। देखिए मैंने ये केला भी यहाँ पे काट लिया है। मैंने एक पैन में पहले से पानी गरम करके रखा है। देखिए ये हमारा आलू फ्राई भी बन चुका है थोड़ा सा, और थोड़ा देर इसको पकाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक अच्छी तरह से आलू और परवल पका नहीं है। यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी गरम कर लिया है, उसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून टर्मरिक डाल देंगे और उसको अच्छे से उबाल लेंगे। आलू और परवल फ्राई बन के तैयार हो चुका है। वो दूसरे बर्तन में जो पानी गरम करके रखा था वो कटी हुई वेजिटेबल इधर डाल देंगे और इसको उबाल आने तक पकाएंगे। हमने उसमें ड्रमस्टिक भी डाल दिया है, अभी उसको पका लेंगे थोड़ा अच्छी तरह से। यहाँ पे और एक पैन मैंने गरम कर लिया है, 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया था। अभी इसमें मैंने 250 ग्राम्स पनीर डाल के उसको अच्छे से फ्राई करेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा पनीर फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से, हम इसको निकाल लेंगे। अभी उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 ग्रीन चिली, 1 इंच अदरक और 3 टमाटो इसे रफली चॉप्ड कर लिया था उसको डाल दिया है, और 1 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया और 1 तेज़पत्ता डाल दिया, 1 टीस्पून मैंने सौंफ डाल दिया, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 2 दालचीनी, 4 लौंग, 1/2 स्पून जावित्री और 10 से 12 काजू और 4 मगज और 1 टीस्पून मैंने इसमें खसखस डाल दिया है। इन सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ढक के उसको कुछ देर के लिए पकने देंगे। जब तक टमाटो सॉफ्ट हो जाता है तब तक इसको हमको पकानी है, फिर उसको ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखिए इस कढ़ाई पे हमारा ये वेजिटेबल बढ़िया से पक चुकी है। अभी इसमें हम 2 टमाटो डाल देंगे ऐसे कट करके। देखिए अभी इस टमाटो को भी अच्छे से हम पकने देंगे
और 4-5 मिनट तक इसको ढक के हम रख लेंगे। यहाँ पे देखिए पनीर के लिए हमने जो मसाले तैयार करी थी वो भी अच्छे से पक रहे हैं। टमाटर अच्छे से पक चुकी है। अभी इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे और पानी को उबालते हुए ये सारे मसालों को अच्छे से उबाल लेंगे। उसी के बाद इसको पंखे के नीचे ठंडा कर लेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे। टोमेटो हमारा अच्छे से पक चुका है। देखिए दोस्तों अभी इसको निकाल के हम ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। इधर इस कढ़ाई पे जो वेजिटेबल हमारा पक रहा था वो भी तैयार हो चुका है। उसको छोंक लगा देंगे हम। वही सेम पैन पे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और उसी के साथ मैंने यहाँ पे बड़ी फ्राई करने के लिए डाल दिया है। ये घर की बड़ी है। आप भी घर की बड़ी अगर होगा आपके पास आप इसमें ऐड करिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा दोस्तों। बड़ी को थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया था। अभी उसी पैन में मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून पंच फुटन डाल दिया है। हम अच्छे से इसको चटकने देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ये लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसमें अदरक भी कूट के यूज़ कर सकते हैं। मैं बिना अदरक के इसको बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये सारा वेजिटेबल डाल दिया है। थोड़ी देर के लिए उसको अच्छे से उबाल देंगे। फिर उसमें हम ये फ्राई किए हुए बड़ी डाल देंगे। देखिए बढ़िया सा उबाल आ चुका है इसमें। यहाँ पे मैं ये रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूँ और आप चाहो तो इस पे आप पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हो और अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर सकते हो। देखिए हमारा वेजिटेबल करी अभी बन के तैयार हो चुका है। इसको आप अगर रेगुलर अपने खाने में लेते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। यहाँ पे और एक पैन में मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। उसके बाद हमने जो टमाटो और काजू का पेस्ट बनाया था उसको यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसको। 2-3 मिनट तक इसको ऐसे पकने देंगे। आप चाहो तो ढक के भी इसको पका सकते हो। इधर मैंने 1/2 कप मिल्क डाल दिया है। देखिए इसको अच्छे से मिला लिया और ढक के मैंने इसको 5 मिनट तक पकने दिया। 5 मिनट तक पकने देने के बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी पत्ता और 1 तेज़पत्ता भी डाल दिया है और पनीर को इसमें डाल के फिर 5 मिनट पकने दिया है। देखिए मसालों से ऑयल निकलने लग गया है। अभी मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून हनी और 1 पीस बटर का मैंने इधर डाल दिया है। अभी ये बटर पनीर हमारा तैयार हो गया विदाउट ऑनियन गार्लिक। दोस्तों आप सभी को मेरी आज की ये भेज थाली कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों और बेल बटन दबा देने से आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन पहले जाएगी, इसलिए बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मिलूँगी मेरी
नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।